हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं बताइए कमेंट करके, है ना। और आप लोग को ड्रीम सक्सेस पॉइंट चैनल पे आप लोग का स्वागत है। अगर आप लोग पुराने हैं तो इस सेशन को शेयर करें, लाइक कमेंट करें और शेयर करें सेशन को और दूसरे तक भी पहुंचाएं, है ना। जिसे इन सारे चीज़ों की ज़रूरत है, वर्ल्ड मैपिंग की, ज्योग्राफी क्लास जिन्हें ज़रूरत है, जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें आप शेयर करें अपने साथी दोस्तों को। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। अभी हम लोग का वर्ल्ड मैपिंग का सीरीज चल रहा था, जिसमें से हम लोग देख रहे थे एशिया कंटिनेंट, दिख रहे थे एशिया कंटिनेंट में। हम लोग साउथ एशिया दिख लिए, साउथ ईस्ट एशिया देख लिए, ठीक है। हम लोग साउथ एशिया देख लिए, जैसे साउथ एशिया में हम लोग सार्क कंट्री देख लिए, साउथ एशिया में हम लोग देखे थे सार्क कंट्री, ठीक है। और फिर साउथ ईस्ट में देखे थे हम लोग आसियान कंट्री। तो हम लोग लोकेशन वाइज हर कंट्री का एक एक लोकेशन वाइज फुल डिटेल में डिस्क्राइब किए हैं, ठीक है। जिन्होंने नहीं देख पाए हैं वो प्रीवियस वीडियो में जाएं और फुली देखें। जब तक आप पूरे देखेंगे तब आपको समझ नहीं आएगा। अब वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं समझ आएगा कि इसमें क्या बताया गया है, ठीक है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और समझ में आता है तो उसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, ठीक है। मुझे बताएं कमेंट करके कि आपको कहाँ समझ नहीं आया, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं सार्क कंट्री और आसियान कंट्री। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे इस क्लास में ईस्ट एशिया। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग ईस्ट एशिया। ईस्ट एशिया की बात जब करें हम, तो ईस्ट एशिया में ये रहा आपका ईस्ट एशिया, देखिए ये रहा आपका ईस्ट एशिया। ये इधर वाली जो कंट्री है आपका ईस्ट एशिया में आते हैं। जैसे ईस्ट एशिया की बात करें, तो ईस्ट एशिया में आपका चाइना हो गया, यहाँ पे देखिए ये जापान है, कोरिया, उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया, ठीक है। ताइवान इसी का पार्ट है, चाइना का ही है, बट चाइना इसे एक देश का दर्जा देता नहीं है, लेकिन ताइवान बिल्कुल अलग हो रखा है, बट चाइना इसे अपना ही मानता है, ठीक है। ये हांगकांग, ठीक है, सब हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो स्टार्ट हम लोग आज करते हैं चाइना, हम लोग आज पढ़ेंगे चाइना। तो चाइना स्टार्ट करने से पहले आप लोग बता देते हैं, चाइना जो है ये मैक्सिमम देखो देशों के साथ बाउंड्री शेयर करता है। मैक्सिमम देश मतलब कहने का सेंस मतलब है एशिया कंट्रीज में, एशिया जो कॉन्टिनेंट है, इस कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री शेयर करता है कौन सा देश है, तो दो देश हैं, एक रूस है और दूसरा चाइना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे रूस कितने के शेयर करता है, 14, और चीन कितने शेयर करता है, ये भी करता है 14, ठीक है। तो मैं आप लोग को यहाँ बताता हूँ, जो 14 जो शेयर करता है चीन वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और जो रूस कितने शेयर करता है आप मुझे कमेंट करके सीक्वेंस में सीरियल वाइज बताएं कि रूस किन देशों को बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आप देखेंगे चाइना जो बाउंड्री शेयर करता है कौन कौन देश के साथ करता है, आप यहाँ पे मैप में देखिए। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ आप एटलस मैप निकाल लें, और मैप जब तक मैप नहीं देखेंगे, एटलस नहीं देखेंगे, तब तक आपको समझ नहीं आएगा। पढ़ने के टाइम आप एटलस मैप जरूर निकाल लें, उसके बाद ही पढ़ाई करें, ठीक है। ऐसे मैं बोलते जाऊँगा आप लोग को समझ आने वाला नहीं है। अब पढ़ते टाइम नोट्स बनाते जाएँ, ठीक है, नोट्स बनाते जाएँ। जैसे देखिए यहाँ पे इस जो चाइना है कितने बॉर्डर से करता है, 14। 14 की बात करें तो देखिए किसे किसे करता है चाइना, यहाँ पे देख लेंगे। जब मैं पहले बता लिख बता रहा हूँ कौन कौन सा करता है। यहाँ देखिए उत्तरी कोरिया, ठीक है, कौन से उत्तरी कोरिया, यहाँ पे है, कहाँ पे उत्तरी कोरिया है, यहाँ देखिए ये यहाँ कोरिया है, इसको उत्तरी कोरिया है, ठीक है, कोरिया हो गया। मंगोलिया, आप मैप में देखते जाइए, फिर आपको बता रहे हैं कहाँ कहाँ पे है। उत्तरी कोरिया हो गया, यहाँ देखिए मंगोलिया, ठीक है, उत्तरी कोरिया, मंगोलिया, कजाकिस्तान,
किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, आप मैप में देखते चलिए, ठीक है, पाकिस्तान, पाकिस्तान, उसके बाद भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, म्यांमार, लाओस, लाओस, वियतनाम, ठीक है, रूस, ठीक है। अब तो 14 टोटल देश हो गए, टोटल कितने हो गए, 14 देश हो गए। अब मैप देखने की कोशिश करते हैं कि मैप में कहाँ कहाँ पे है, ठीक है, देखिए मैप में कहाँ कहाँ पे है। उत्तरी कोरिया, उत्तरी कोरिया देख लिया, ये रहा उत्तर उत्तरी कोरिया। उसके बाद मंगोलिया, मंगोलिया के बाद ये आपका रहा रसिया, ये आपका रहा रसिया, 1 2 3, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग जो तान वाले देश हैं, जो सारे तान वाला है, कौन कौन से देश हैं, यहाँ देखिए यहाँ पे, जैसे ये कजाकिस्तान, ये है कजाकिस्तान, देखिए बाउंड्री शेयर कर रहा है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, किर्गिस्तान आपका यहाँ पे है मैप में दिख जाइए, ये आपका सेंट्रल है, सेंट्रल एशिया में आते हैं, ठीक है। जब हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल एशिया बताएंगे आपको तान वाले देश कौन कौन से आते हैं, ठीक है। ये कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, और ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान देखिए, ताजिकिस्तान यहाँ पे है, बिल्कुल ताज टाइप में यहाँ पे है ताजिकिस्तान, ठीक है, ताजिकिस्तान। उसके बाद आते हैं अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में थोड़ा टच करते हैं यहाँ पे, इसका बाउंड्री जो है यहाँ तक गया है, ठीक है, तो ये अफगानिस्तान भी करता है, ठीक है, तो अफगानिस्तान भी करता है। उसके बाद आपका हमारा प्यारा भारत तेरा, भारत तेरा जो बाउंड्री शेयर करता है, उसके बाद नेपाल रहा, नेपाल, भूटान, म्यांमार, म्यांमार यहाँ देखिए, ये रहा आपका म्यांमार, म्यांमार हो गया, लाओस हो गया, और वियतनाम हो गया, वियतनाम ही रहा, ये वाला पार्ट वियतनाम का है, ठीक है। तो इसमें थाईलैंड और कंबोडिया शेयर नहीं करता है, इसमें इसमें इन शेयर नहीं करता है, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये शेयर नहीं करता है, ठीक है। तो हम लोग देख लिए कि चाइना 14 देशों को शेयर करता है बाउंड्री, ठीक है। अब हम लोग डिटेल देखते हैं चाइना के लिए, जब देखते हैं चाइना को, ठीक है। अब देखिए ये जो चाइना है, ये चाइना है, तो चाइना के ईस्ट जो भाग को कहते हैं हम लोग मंचूरियन, मंचूरियन भाग कहते हैं, मंचूरियन का मैदान कहते हैं, मंचूरियन प्लेट, आप देख पा रहे हैं मैप में, एटलस देख लीजिए, इसे कहते हैं मंचूरियन प्लेट कहते हैं, ठीक है। ये आपका रहा तिब्बत का पठार, रहा तिब्बत का पठार यहाँ पे, ठीक है, तिब्बत का पठार रहा। और इसकी जो राजधानी है कहाँ है, बीजिंग, बीजिंग यहाँ पे है, ठीक है। और इसका फेमस जो शहर है कौन सा है, संघाई, यहाँ पे इसका है संघाई है। तो देखिए जो चीन है बहुत बड़ा देश है, चीन क्या है बहुत बड़ा है, ये जनसंख्या के आधार पे एशिया की, ठीक है, एशिया की बात करें और विश्व की बात करें, ठीक है, तो जनसंख्या का सबसे बड़ा देश कौन सा आता है, जनसंख्या आधार पर आता है चीन, तो जनसंख्या के आधार पे पहला देश है, नोट डाउन करते चलते हैं, ठीक है, यहाँ देखते हैं जनसंख्या के आधार पर, अगर जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या के आधार पे ये क्या है, फर्स्ट है, पहला देश है, ठीक है। और क्षेत्रफल की बात की जाए, क्षेत्रफल की बात की जाए, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल के आधार पे ये आपका आता है तीसरा देश,
थर्ड नंबर पे आते हैं, ठीक है। अब ये हुआ चीन के बाद, ठीक है। अब कंपेयर करते हैं अपने इंडिया से, तो इंडिया जो आता है क्षेत्रफल के अनुसार पे आपका आता है सातवां देश। भारत की बात करें तो भारत आता है क्षेत्रफल के अनुसार पे, क्षेत्रफल के अनुसार भारत कितना आता है, सेवेंथ नंबर पे, ठीक है। और बात रहा जनसंख्या का, तो भारत जनसंख्या नंबर पर कितना आता है, दो। मतलब अब कंपटीशन में पहुंच रहा है, कुछ दिन में जो भारत है वो चाइना को पीछे छोड़ देगा, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल सेकेंड पोजीशन पे है भारत, ठीक है। अब बताइए इसमें आप लोग कमेंट के बताएंगे कि इसमें जो भारत जो क्षेत्रफल में सातवां स्थान था, इससे पहले और कौन कौन से देश हैं, इससे पहले छः और हैं, तो कमेंट करके बताएं कि कौन कौन से और छः हैं, ठीक है। इसी प्रकार क्षेत्रफल के अनुसार पे जो चाइना का है, ठीक है, वो कौन कौन और हैं, तो क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर अब देशों का जो सिक्वेंस है आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो यहाँ की मुख्य भाषा क्या है, मंडारिन, मंडारिन यहाँ का भाषा क्या है, भाषा क्या है, मंडारिन, मंडारिन यहाँ का भाषा जो है मंडारिन बोली जाती है यहाँ का। और इस देश का जो 50% जो 50% है इस देश में, यहाँ पे चाइना में 50% जो है वो पर्वत पहाड़ है, पर्वत पहाड़, ठीक है। यहाँ पे चाइना में जो 50% भाग है पर्वत पर्वत पठार से, पर्वत से पहाड़ से घिरा हुआ है, और 35% जो भाग इसका है ये है पठारी क्षेत्र, पठार। तो बात करें तो 50% आपका हो गया पर्वत हो गया, और 35% आपका पठार हो गया, और 15% आपका मैदान हो गया, मैदानी क्षेत्र, ठीक है। तो मैदानी क्षेत्र कितना है आपका, 15%। चाइना के देखिए ए आपका है पूर्वी साइड और ए है आपका पश्चिमी साइड है। तो चाइना के जो पश्चिमी साइड है ना, मैक्सिमम इधर क्या है, पर्वत पठार पहाड़ इधर है, पर्वत पहाड़ इधर है, 50% जो है सारे इधर ही हैं, ठीक है। और बाकी वो इधर जो है मैदानी क्षेत्र है, इधर मैदानी क्षेत्र है। तो मैक्सिमम साइड जो है पश्चिमी साइड, चाइना के पश्चिमी साइड में, चाइना के अधिकतर पश्चिम साइड में पर्वत अधिक हैं, है ना। इसलिए जो चाइना का जो रेलवे का विस्तार है किस क्षेत्र में, मंचूरियन क्षेत्र में, आपका ये मंचूरियन क्षेत्र है, आपको बता चुके हैं ये आपका ये मंचूरियन क्षेत्र है। पश्चिमी साइड में पर्वत पहाड़ ज़्यादा हैं, पर्वत पश्चिम भाग में अधिक है चाइना के, इस साइड यहाँ पे रेलवे का विकास इधर नहीं हुआ है, ठीक है। और इस साइड मैदानी भाग है मंचूरियन क्षेत्र में, यहाँ पे रेलवे का विकास अधिक हुआ है, किस क्षेत्र में, मंचूरियन क्षेत्र में। एंथ्रासाइट कोयला जो होता है ये चाइना में अधिक है, विश्व में, चीन में अधिक है। एंथ्रासाइट जो कोयला है विश्व में अधिक है, कहाँ पे, चीन में। अब एक मिनट आप लोग को ओवरव्यू बताते हैं कि कोयला कितने टाइप का, कोयला जो होता है वो चार टाइप का, कोयला जो है वो चार टाइप का, कोयला चार टाइप का, कौन कौन से हैं। तो कोयला चार टाइप की बात करें तो कोयला चार टाइप का होता है, ठीक है। अभी हम लोग मैप नहीं देख रहे हैं बट आपको बस बता दे रहे ओवरव्यू, ठीक है। पहला होता है एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट, ठीक है। दूसरा जो होता है आपका विटुमिनस, मिनस, दूसरा विटुमिनस, तीसरा लिग्नाइट, और चौथा जो होता है वो पीट होता है, पीट कोयला, चार हो गए। अब देखिए अभी जो चाइना में जो पाया जा रहा है कौन सा कोयला पाया जा रहा है, एंथ्रासाइट। चाइना में जो कोयला पाया जा रहा है वो कौन सा कोयला है, एंथ्रासाइट। तो एंथ्रासाइट चीन में सबसे अधिक पाया जाता है, एंथ्रासाइट, इसे कहते हैं ए ग्रेड का होता है, ए ग्रेड का कोयला कहते हैं इसको, ये चीन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है विश्व में। और भारत में कहाँ पाया जाता है, तो जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर पाया जाता है, लेकिन ज़्यादा नहीं पाया जाता है, एंथ्रासाइट कोयला पाया जाता है भारत में जम्मू कश्मीर में। और ए विटुमिनस कोयला है भारत में सबसे अधिक पाया जाता है, भारत में सबसे अधिक ही पाया जाता है विटुमिनस। और एक क्या होता है, इसको कहते हैं ब्लैक कोयला कहते हैं, ब्लैक कोयला कैसा होता है, मुलायम होता है और घरेलू यूज के लिए ही होता है विटुमिनस, जो भारत में सबसे अधिक होता है। लिग्नाइट होता है, ये लिग्नाइट कैसा होता है, भूरा कोयला होता है। और पीट, पीट ये सबसे घटिया कोयला होता है। चाइना है ना, चाइना ये सबको हड़पते रहता है, तो ये जो चाइना है वो यहाँ पे तिब्बत है, यहाँ पे आपको दिखेगा आपको तिब्बत, यहाँ देखिए तिब्बत, ये तिब्बत है, ये तिब्बत अलग था, ठीक है,
तिब्बत एक अलग देश था, ठीक, अलग था तिब्बत। तो तिब्बत को इन्होंने चाइना ने, चाइना जो होता है उन, चाइना ने जो था 1959 में तिब्बत पे अधिकार कर लिया, ठीक है, इसने अधिकार कर लिया। और चीन जो है अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत कहता है, अरुणाचल प्रदेश अपना जो है इंडिया का, ये आपका अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पर, तो अरुणाचल प्रदेश को ये क्या कहता है कि ये अब मेरा भाग है। चाइना ऐसा है कि इसका ये हर किसी को हड़पने के चक्कर लगा रहता है, सबको हड़पते रहता है। तो ये इसे बोलता है कि अरुणाचल प्रदेश है, इसको बोलता है कि ये हमारा दक्षिणी तिब्बत है जो इसका है नहीं, ठीक है। अब आगे आते हैं, चीन ने ताइवान को, ठीक है, ये ताइवान है, ताइवान को अपना क्षेत्र मान लिया। और ये आपका जो दिख रहा है आपका साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी में यहाँ पे द्वीप हैं, कौन कौन से हैं, पारसेल द्वीप, देखिए यहाँ पे ये पारसेल द्वीप है, और यहाँ पे स्पार्टली है, यहाँ पे स्पार्टली आइलैंड है, ठीक है, ये आइलैंड है, द्वीप है, ठीक है। और ये द्वीप जो प्राकृतिक रूप से है, और इसने एक और द्वीप बनाया है, ठीक है, एक यहाँ पे कृत्रिम द्वीप बनाया है चाइना ने, ठीक है। इसने क्या किया है कि जो सारे मलबा जो कचरा है सब ला ला के यहाँ पे कृत्रिम बनाया है, द्वीप बनाया है। ये तो पारसेल और अस्पाटली दो जो द्वीप हैं ये कृत्रिम है। अब चाइना यहाँ का इसे बोलता है कि ये मेरा मेरा द्वीप है, कब्जा कर लिया इस पे, कर लिया इसने, ठीक है। इसके नज़दीक में तो ये होना चाहिए वियतनाम है, कम्बोडिया है, फिर इधर है फिलीपींस है, इन लोग को होना चाहिए, चाइना बोलता है कि मेरा है, ठीक है। तो बिल्कुल उसका जो है नहीं, ये हड़प लिया है, ठीक है। तो ये जो अस्पाटली और पारसेल दो द्वीप को इसने हड़प लिया है। और ये साउथ चाइना सी ये बोलता है कि ये मेरा जो सागर जो है ना, ये जो क्षेत्र है ये मेरा है, जो इसका है नहीं, ठीक है, बोले ना सबको हड़पते रहता है, तो साउथ चाइना सी को भी बोलता है ये मेरा ही है, ठीक है। ये राजधानी यहाँ पे बिनजिंग है, देख रहे हैं इसके बिनजिंग। तो ये किस नदी पे है, पीली नदी, जो हुआंगो नदी है, पीली नदी वांगो घाटी में है, ठीक है। और जो अब सूख रहा है इसलिए क्या किया है चीन, जो भारत में जो ब्रह्मपुत्र नदी आती है उसे मोड़ना चाहता है, उत्तर में मोड़ना चाहता है, ठीक है, जो भारत में ब्रह्मपुत्र नदी आती है उसे मोड़ना चाहता है। शंघाई को एशिया का मैनचेस्टर कहते हैं, तो भारत को मैनचेस्टर किसे कहेंगे, अहमदाबाद, अहमदाबाद। मैनचेस्टर कहने का सेंस मतलब है कपड़ा उद्योग, कपड़ा का जो होता है सूती कपड़ा उद्योग, मैनचेस्टर भारत के बोले तो अहमदाबाद में, वहाँ पर कपड़ा उद्योग अधिक है, सूती कपड़ा उद्योग, ठीक है। इसलिए तो यहाँ पे शंघाई जो है यहाँ पे कपड़े के लिए है, ठीक है। तो एशिया का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, शंघाई को। और यहाँ पे न्यू डेवलपमेंट बैंक, एंड न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है, शंघाई है, ठीक है। आज बस इतने करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसमें देखेंगे कि चाइना ने हांगकांग, ताइवान और स्पार्टली द्वीप और पैरासल द्वीप, साउथ चाइना सी को इसने हड़प रखा है, ठीक है। तो सारे हम लोग डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, आज बस इतने करते हैं, है ना। और आप लोगों को जहाँ भी डाउट हो आप वीडियो में देखने बाद आप ज़रूर कमेंट करें कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, है ना। और आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो के साथ कल मिलते हैं हम लोग।